खोराबार थाना क्षेत्र में बुधवार की रात अज्ञात बदमाशों ने ऑटो ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की खबर से क्षेत्र में सनसनी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। मामला खोराबार थाना क्षेत्र के ग्राम सभा पथरा का है, जहां दयाराम निषाद उर्फ आला को बुधवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार दयाराम निषाद ऑटो चालक था, जिसकी शादी बहुत पहले हो गई थी, जिससे चार बच्चे हैं, जिसमें तीन लड़की और एक लड़का है। बड़ी लड़की ज्योति, दूसरी सिमरन, तीसरी सोनाली और चौथा सूरज है। पति पत्नी में आपसी विवाद होता रहता था, जिसके कारण दयाराम निषाद ने 10 जुलाई को कोर्ट में दूसरी शादी कर ली थी, जिसको लेकर पहली पत्नी अपने चारों बच्चों को यहीं छोड़कर मायके में रहने लगी थी। बुधवार की रात कुछ अज्ञात लोग पहुंचे और इमरजेंसी में ऑटो बुक कराने के लिए दरवाज़ा खुलवाया तो बदमाशों ने उसे गोली मार दी। घटना की सूचना पर पहुंची मुकामी पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए SP नॉर्थ रोहित सिंह सहवाण ने बताया। कल रात्रि को, देर रात्रि को इसमें थाना खोराबार में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर दो कारतूस मिले हैं। इसमें एक पुरानी जो बात है, जो व्यक्ति है उसकी पूर्व पत्नी और उसके प्रेमी दोनों का नाम आया है कि दोनों के द्वारा ही इसकी हत्या की गई है, क्योंकि पूर्व में उनके द्वारा इसमें धमकी दी गई थी। तो दोनों अभियुक्तों की तलाश जारी है और जल्द ही इनके कारणों का खुलासा किया जाएगा।